पत्नी की इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है, पति को शक आ गया, क्या किया उसने और हुआ क्या, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। क्या होता है कि शक के मारे अपनी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, लोग डिवोर्स लेते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और शक जो है वो अनेक झगड़ों को कारणीभूत होता है। जैसे एक महिला और पुरुष मेरे पास में आए, इसका था कि भाई ये मेरी पत्नी जो है वो इंटरेस्ट लेती नहीं है, मेरे में इंटरेस्ट लेती नहीं है, सेक्स में इंटरेस्ट लेती नहीं है, वो पता नहीं क्या करती रहती है, दिन भर बोलती नहीं, मेरे को नींद आ गई, मैं थक गई हूँ, घर के काम बड़े मुश्किल से कर लेगी और मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मतलब ये आपके पास में कुछ प्रूफ है? नहीं, बोले मेरे पास में तो कोई प्रूफ नहीं है कि भाई ये कुछ उसका बाहर है या कोई संबंध है ऐसा वैसा। फिर आपको शक क्यों आ रहा है? बोले ये ऐसा इस तरह का बिहेव करती है। तो उसको मैंने समझाया, काउंसिलिंग किया, नेक्स्ट सेशन जब आया तब उसने ही उसको प्रेजेंट हो गया, वो व्यक्ति प्रेजेंट ऐसा हो गया कि उसको लगा कि जब डॉक्टर केळेकर ऐसा बोल रहे हैं कि भाई नहीं आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है, तो बोले मैं प्रूफ जमा करूँ। तो उसने क्या किया कि उसने बेडरूम में कैमरे लगा दिया कि भाई देखेंगे कि ये क्या करती क्या, दिन भर में इसका कोई संबंध है क्या, क्या होता है। और उस बहुत ही सरप्राइज हुआ उसको, ये मालूम पड़ा बाद में कि रात भर इसके दो दो बच्चे हैं जो जुड़वा थे, दोनों भी सोते नहीं हैं, दोनों भी धिंगाना हंगामा करते रहते हैं, उसमें उसको नींद होती नहीं, थोड़ी थोड़ी नींद हो जाती है, रात भर उसको जगना पड़ता है, एक उठा के दूसरा सो गया कि पहला उठ जाता है, और फिर नेचुरली दिन में बच्चों का ही करना पड़ता है और फिर वो थक जाती है, हालांकि वो बोल नहीं रही थी। जब उसका ये उसको दिखा है तो आँखें खुल गई। हरदम ही हमने देखना चाहिए कि भाई हम जब शक करते हैं किसी के ऊपर भी, पति पत्नी के ऊपर या पत्नी पति के ऊपर, तो क्या सिर्फ हमको विचार आना करके हम कर रहे हैं कि उसका कुछ प्रूफ है? जब मैंने उसको बोला कि क्या प्रूफ है तो वो प्रूफ जुटाने में लग गया, और जब प्रूफ जुटाने में लग गया तो मालूम पड़ा कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, कारण तो और कुछ है। तो एक्चुअली CCTV बिठाए, कैमरे लगा दिए, और मालूम पड़ा कि नहीं ये तो वफादार पत्नी है, तो बच्चों के इसमें, मगर वो बोल नहीं रही है कि ऐसा है करके। समरी क्या है कि बात करो, चर्चा करो, लिसन करो, सुनो क्या हो रहा है, एक दूसरे की दुनिया में जाओ। सिर्फ दोष देना, सिर्फ शक करना और झगड़े करना, इसमें कोई मतलब है नहीं। जब भी कभी शक आता है हम क्या करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में ये बोलते हैं कि जब भी कभी आपको कोई विचार आता है तो पहला सवाल ये करना है कि क्या ये विचार मुझे अकेले को आ रहा है कि सबको आ रहा है, क्या सबको ही ऐसा लग रहा है जो मुझे लग रहा है, ये विचार सबसे पहले कहाँ शुरुआत मध्य विचार की हुई, क्या ये विचार सही है, क्या ये रैशनल है, लॉजिकल है। ऐसे जब आप डिबेट करेंगे, अपने ही सवाल को पूछेंगे सवाल करके, तो फिर मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली जो हुआ है वो अलग रहता है और उसकी स्टोरी हम बनाते रहते हैं, इंटरप्रिटेशन बनाते रहते हैं, और इंटरप्रिटेशन बना बना के फिर कुछ तो भी दिमाग में एक विचार पक्का कर लेते हैं, और वहाँ से फिर हमारा बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है, फिर डिवोर्स सेपरेशन की भी बारी आती है। वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।